उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक व्यक्ति द्वारा अपना बच्चा बेचने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इसके लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अस्पताल का बिल भरने के लिए एक व्यक्ति को अपने बेटे को कथित तौर पर बेचने के लिए मजबूर किए जाने की घटना सच में दिल दहला देने वाली है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब देश में जिंदा रहने के लिए इंसानों को दूसरे लोगों को खरीदना और बेचना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि हरीश पटेल नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अस्पताल की फीस भरने में असमर्थ रहने पर जच्चा और बच्चा को अस्पताल से नहीं जाने दिया गया। उन्होंने बताया कि अपनी पत्नी और नवजात शिशु की छुट्टी कराने के लिए पटेल शुक्रवार को बच्चा गोद लेने के लिए एक फर्जी समझौते के तहत महज कुछ हजार रुपए में अपने बेटे को भेजने के लिए राजी हो गया। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया है और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शनिवार को 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें बच्चे को साथ ले जाने वाला एक दंपति भी शामिल है। वाड्रा ने सोशल मीडिया पर मंच एक्स पर लिखा है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में तंगहाली के चलते एक व्यक्ति द्वारा अपना बच्चा बेचे जाने की घटना दिल दहला देने वाली है। आरोपी ने अपनी गर्भवती पत्नी को एक अस्पताल में भर्ती करवाया, उन्होंने बेटी को जन्म दिया। अस्पताल में इलाज के लिए 4000 रुपए मांगे गए। आरोपी पिता के पास 4000 नहीं थे। अस्पताल में जच्चा और बच्चा को छुट्टी देने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पत्नी और नवजात बच्ची को घर लाने के लिए मजबूर होकर हरीश पटेल ने अपने एक बेटे को 20000 रुपए में बेच दिया। बच्चा खरीदने वालों ने बकायदा तहसील में स्टाम्प बनाया और पुलिस ने भी उनसे 5000 रुपए रिश्वत ली। मानवता को शर्मसार करने वाले इस कृत्य से सरकारी तंत्र भी हिस्सेदार रहा है। उन्होंने कहा, कहाँ है सरकार की योजनाएं, कहाँ है स्वास्थ्य विभाग, किसके लिए चल रही सरकार? क्या अब हमारे देश में जिंदा रहने के लिए इंसानों को इंसानों की खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी?